Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is the lecture number 32 of forensic chemistry and you will learn about forensic entomology, about insects. Forensics में हमें insects किस तरह से help करते हैं एक crime को solve करने में. So let's get started with the definition. The study of insects associated with a human corpse in an effort to determine lapsed time since death. यानी कि insects से किस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है कि human corpse का पता चल सकता है कि ह्यूमन की जो डेथ हुई है ये कितनी देर पहले हुई थी, कितने टाइम पहले हुई थी, उसका टाइम डेथ का पता चल सकता है इंसेक्ट से जो कि उसके साथ मिले होंगे. यानी कि उसके साथ कोई चिपका होगा या उसे यानी उसके इर्द गिर्द होगा कोई इंसेक्ट, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. इंसेक्ट एविडेंस में ऑल्सो शो डैट द बॉडी हैज़ बीन मूव्ड टू अ सेकेंड साइट आफ्टर डेथ. अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक जगह का कोई इंसेक्ट है वो हमें उसी जगह मिल सकता है, वो कहीं और नहीं मिल सकता. तो जब वो कहीं और हमें मिलेगा, उस वो अपनी जगह से हिला हुआ होगा, तो ऑफ कोर्स हमें उसकी फर्स्ट डेस्टिनेशन का पता चल जाएगा कि ये कहाँ से इंसेक्ट जो है ये इस लाश के साथ, इस बॉडी के साथ दूसरी जगह पे आया है. और डैट द बॉडी हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड एट सेम टाइम आइदर बाय एनिमल्स और बाय किलर रिटर्निंग टू द सीन ऑफ द क्राइम. यानी कि इस बॉडी को डिस्टर्ब किया गया है कुछ वक्त से, हो सकता है किसी एनिमल ने डिस्टर्ब किया हो, किसी एनिमल वगैरह ने किल किया हो, या फिर किलर जो है वो दोबारा उस जगह पे आया जहाँ पे उसने क्राइम किया और वहाँ से उसने उस बॉडी को हिलाया. तो इस इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हम लोग फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ वी हैव हियर अ प्रॉपर चेन कि किस तरह से हम लोग इंसेक्ट के एविडेंस को हमें कलेक्ट करना होता है. तो सबसे पहले है लेबलिंग. इंसेक्ट्स कलेक्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम दोज हु आर फाउंड फ्रॉम अनदर पार्ट. अगर हमें एक जगह से कोई इंसेक्ट मिला है और दूसरी एक ही बॉडी के दो या तीन पार्ट से हमें इंसेक्ट मिले हैं, तो वो हमें अलग अलग जगह पे रखने हैं और उसे लेबल करना है प्रॉपरली कि ये हमें टांग के पास से मिला, ये हमें बाजू से मिला, वगैरह वगैरह. एरिया ऑफ बॉडी, सॉइल, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्शन, स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि उसका कौन सा स्टेज है, इंसेक्ट जो है वो लार्वा है अभी या बड़ा हो गया है, कितना किस स्टेज पे है, उसकी कलेक्शन की हम लोग नेम लिखेंगे यानी उसका नाम क्या है, टाइम ऑफ कलेक्शन लिखेंगे उसका टाइम क्या है, और डेट लिखेंगे किस डेट पे हमें मिला, नेम ऑफ कलेक्शन लिखेंगे यानी जो हमें इंसेक्ट मिला उसका नेम क्या है. नेक्स्ट इज़ हैंडलिंग. वेरी टाइनी और डेलिकेट स्पेसिमेंस कैन बी पिक्ड अप यूजिंग एन आर्टिस्टिक ब्रश डिप्ड इन वाटर और एल्कोहल डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर अबाउट टू डू विद देम. अगर कोई बहुत छोटा इंसेक्ट है या कोई डेलिकेट स्पेसिमेन है तो उसे पिक किस तरह से किया जा सकता है, एक आर्टिस्ट ब्रश से उसे वाटर में डिप करके या अल्कोहल में डिप करके, डिपेंड करता है कि किस तरह से फोरेंसिक एनालिस्ट जो हैं ये इसे यानी कि इसे हैंडल कर सकते हैं, तो उस तरह से उसे पिक किया जाता है. मेक श्योर ऑल द वायल्स आर वेरी वेल सील्ड. तमाम जो शीशियां हैं उन्हें बहुत अच्छे से सील कर दिया जाए, इस बात का ख्याल रखना पड़ता है उन्हें. पैकेजिंग. द इंसेक्ट्स शुड बी टेकन टू द एंटोमोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल. जो स्पेसिफिक जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिनका, यानी कि एंटोमोलॉजिस्ट जो हैं उनके पास इंसेक्ट्स को लेके जाया जाए ताकि उनकी अच्छे से स्टडी हो सके. दे शुड बी कुरियर्ड और हैंड डिलीवर्ड टू मेंटेन कंटिन्यूटी. अगर उनके पास टाइम नहीं होता फोरेंसिक एनालिस्ट के पास कि वो खुद जाके डिलीवर करें, तो उन्हें कुरियर कर देना चाहिए या हैंड से डिलीवर करके आना चाहिए ताकि उस चीज़ का वो लोग स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर लें. दे शुड बी पैक्ड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स और दिस हैज़ लॉट ऑफ एयर. कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से हवा पास होती हो, जैसे कि कार्डबोर्ड बॉक्स है, उसमें उन्हें रखा जाए ताकि वो एविडेंस जो है वो ख़राब ना हो. अगर कोई ज़िंदा इंसेक्ट है तो वो भी ज़िंदा रहे. ईच वायल कैन बी टेप्ड सो डैट इट रिमेन्स अपराइट. द होल बॉक्स मस्ट रिमेन अपराइट. कोई भी ऐसी डब्बी है जिसके अंदर हमने इंसेक्ट रखे हैं, तो उसे अपराइट रखना है, यानी कि उसे सीधा रखना है, उसे टेप लगा देनी है कि वो बॉक्स जो है वो अपराइट ही रहे, वो इधर उधर हिले नहीं. सो ये थी ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फोरेंसिक एंटोमोलॉजी. सो आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन वर्क फ्लो डायग्राम ऑफ ड्रग एनालिसिस एंड दिस विल बी आवर लास्ट लेक्चर फ्रॉम दिस सीरीज़. So, till the next one, Allah Hafiz, take care and please do subscribe if you like this video.